हाय, आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है कॉलीफ्लावर पास्ता, जिसमें हमने पास्ता भी कॉलीफ्लावर से बनाया और उसका सॉस भी। तो इसके लिए हमें एक फुल साइज़ कॉलीफ्लावर चाहिए और उसे हम दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। एक पोर्शन से हम कॉलीफ्लावर सॉस बनाएंगे और दूसरे पोर्शन से पास्ता बनेगा। अब हम इन पीसेस को बॉईल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, 5 मिनट के लिए। इस तरह से हमारी कॉलीफ्लावर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और अब हम इसे करेंगे फाइनली चॉप। अब यहाँ पे चॉप के मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप एक फोक से भी कर सकते हो, या फिर आप चॉपर से भी कर सकते हो। अब जो हमने कॉलीफ्लावर चॉप किया है उसे हम दो बोल में डिवाइड कर लेंगे, एक हमारे सॉस के लिए और एक हमारे पास्ता के लिए। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे पास्ता। तो जो हमने एक पोर्शन पास्ता के लिए यूज़ किया है उसमें हम मैदा डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल, और उसे एक अच्छे से डो में नीट कर लेंगे। अगर आपको डो स्टिकी लगता है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा और ऐड कर सकते हो। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे टाइनी पास्ता बॉल्स बनाएंगे। अब आप यहाँ पे कोई शेप भी बना सकते हो, बट मैंने इसे बिल्कुल सिंपल ही यूज़ किया है। तो मैंने इस पर सिंपली एक छोटा सा सर्कल करके ऐसे हाथ से राउंड राउंड करके बॉल्स बना लिए। अब हम पास्ता बॉल्स को करेंगे बॉयल सिर्फ 5 मिनट के लिए, जब तक ये पानी में फ्लोट ना होने लग जाए। अब 5 मिनट बाद देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ये हमारे बॉल्स रेडी है। अब हम चलेंगे पास्ता सॉस की तरफ। अब जो कॉलीफ्लावर का हाफ पोर्शन था वो हम एक ब्लेंडर में ऐड करेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़े से कैशू नट्स ताकि हमारा जो सॉस है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, और उसमें थोड़े से चीज़, ये ऑप्शनल है कम्प्लीटली, और इसमें डालेंगे हाफ कप मिल्क ताकि हमारा थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी हो जाए हमारे सॉस की, और हम कर देंगे इसे ब्लेंड। बस इतने से स्टेप है और हमारा सॉस रेडी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बटर, और जब ये थोड़ा मेल्ट और गर्म हो जाए तो हम उसमें ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप गार्लिक और उसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, एंड जो हमने सॉस रेडी किया है उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। और जैसे ही हम सॉस को ऐड करेंगे हमें उसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि उसमें लम्स ना बने, वो भी मीडियम फ्लेम पे। फिर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच दूध और उसे अच्छी तरह स्टर कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ ऐड किया 1 चम्मच ब्लैक पेपर। फिर 1 चम्मच सॉल्ट और ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और हम इन्हें अच्छे से सॉस में मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसमें चीज़ भी ऐड किया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑप्शनल है, आपको डालना है ना डालो, आपकी मर्ज़ी है। फिर हम इसे कवर करके 2 मिनट तक थोड़ा सा और कुक करेंगे, एंड ये देखो अब ये हमारा टोटली रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी पास्ता बॉल्स को ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें सॉस में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बस अभी अच्छे से रेडी हो गया है। अब आप इसे गरम गरम सर्व कर लो, गरम गरम खा लो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।